अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम दाई विजेट अकेडमी से, और आज मैं आपको सिखाऊंगा HDFC बैंक का लोगो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। ये लोगो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख रखा है जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो आइए ये HDFC बैंक का लोगो जो बेहद ईजी है वो बनाना सीखते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, तो फिलहाल तो आप रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वैल्यू बिल्कुल ठीक डालेंगे। अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 की ही वैल्यू डालेंगे जिससे कि हमारा स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल की शेप ना हो, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेंटर में करने के लिए P बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने गाइडलाइंस ले रखी है उसके बिल्कुल सेंटर में वो चीज़ आ चुका है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं एक कलर फिल कर देता हूँ कोई भी, जैसे मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसकी कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। पहले तो कॉपी करना है और उसके बाद पेस्ट करना है। तो कॉपी के लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+C है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। और इसी के बगल में पेस्ट है तो पेस्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ देखेंगे कि आप इसकी कॉपी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इसे शिफ्ट बटन दबाकर, कीबोर्ड से आप शिफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और उसके बाद कोने से पकड़ के इसको अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए। शिफ्ट बटन आपको दबाना क्यों है, क्योंकि शिफ्ट बटन दबाने से चारों साइड से इक्वल वो चीज़ छोटी होगी। अगर आप शिफ्ट बटन नहीं दबाएंगे तो हो सकता है कि जो है वो ठीक शेप में ना आए, तो आप प्लीज़ शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और उसके बाद इसको अंदर की तरफ करना है। और इस तरीके से करने के बाद आप इसमें कोई भी कलर फिल कर लीजिए। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे आपका ट्रिम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो इससे होगा क्या कि ये देखिए ये जो है अंदर का वो कट चुका है, तो मुझे इतना ही काम करना था। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर मैंने कोई एक कलर फिल कर लिया इस तरीके से और इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो चीज़ हमारी ब्लैंक है और वो मैंने काट के अलग से इसको साइड में रख दिया है। अब आपका करना क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे आप दोनों साइड से क्रॉस के माफिक कटा हुआ है, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा से एक रेक्टेंगल लेना है और इसको बिल्कुल आपको वर्टिकल में इसको खींचना है। और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से P बटन प्रेस करना है जिससे कि हमारा उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए। और उसके बाद आपको पिक टूल लेके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और दोबारा से इसे ट्रिम कर देना है। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर, यहाँ देख पाएंगे डिग्री है, तो डिग्री पे आपको 90 प्रेस करना है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर वर्टिकली 90 डिग्री पर है तो इसका अपोजिट इस तरीके से हॉरिजेंटली 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो जैसे मैं कीबोर्ड में एंटर प्रेस करूंगा वो इस तरीके से अपोजिट में चला जाएगा। और उसके बाद मैं दोबारा से इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। और इस ऑब्जेक्ट का हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे लगभग उस शेप में आ चुका है, क्रॉस हो चुका है, ठीक। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए जिससे कि ये वाली लुक आ जाए। तो अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, अपने कीबोर्ड से P बटन प्रेस कीजिए जिससे कि वो सेंटर में रहे और किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो। ये देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फिलहाल अभी वो सेंटर में नहीं है, तो P बटन दबा के मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा। तो आप देख पाएंगे लगभग वही शेप आ चुकी है। कलर का है तो आप कलर जो है वो HDFC बैंक का डाउनलोड कर सकते हैं और कलर जो भी इसके इस कॉर्नर में जो भी कलर होगा लगभग यही कलर आपको दिखाई देगा 99%, लेकिन फिर भी आपको 1% की कोई गुंजाइश ना रहे तो उसके लिए आप HDFC बैंक का लोगो डाउनलोड करके उसके बाद आप कलर फिल कर सकते हैं। नीचे अब आपको HDFC बैंक का आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसमें नीली कलर की पट्टी है और वाइट कलर से आपका फॉन्ट टाइप है। तो आप पहले तो रेक्टेंगल ले लीजिए और इस तरीके से, और उसमें ब्लू कलर फिल कर दीजिए। उसके बाद आप बाहर कहीं पर HDFC कैपिटल लेटर में लिख दीजिए HDFC बैंक। इसको थोड़ा सा दोस्तों अगर आप
बोल्ड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी लुक आ जाएगी। साइज़ अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, इसके ऊपर ला के रख देना है आपको, और फ़ॉन्ट का जो है वो वाइट कलर कर दीजिए, और इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो जचे इस हिसाब से आपको वहाँ पर ऐसा बना देना है। इस तरीके से कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा और इसे आप यहाँ पर लाकर इस तरीके से फिट कर दीजिए जिससे कि वो लुक वाइज भी अच्छा लगे। कंट्रोल जी से मैं सभी को ग्रुप कर देता हूँ और मैं आपको एक ब्लैंक जगह पर जहाँ पे गाइडलाइंस रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि HDFC का लोगो लगभग तैयार है, लगभग क्या पूरा ही तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ये HDFC बैंक का लोगो तैयार करना आ गया होगा। आज तक का लोगो, GTB का लोगो, स्टार्ट प्लस का लोगो, किताबें, पंपलेट्स और तमाम बहुत सारी चीज़ें जो कोरल ड्रॉ में तैयार की जाती हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। फ़िलहाल मुजाफ्ता आलम को दीजिए इजाज़त, शुक्रिया दोस्तों।